بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. لا سيما بقية الله العظيم جلي وأدبره السلام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحكيم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزاداران امام مسلم اور ماتم داران سید الشہداء، عاشقین کا تذکرہ ہے اور اس دنیا کی بنا عشق کی بنیاد پر قائم کی گئی. خود خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میں اس دنیا کو اور اس کائنات کو نہ پیدا کرتا. اے محمد، اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہو لیکن اگر بات یہیں تک رہ گئی ہوگی یا رک گئی ہوگی تو انسان یہی سوچ کر کہ بات اس ایک فرد واحد تک رکی ہوئی تو لوگ اسی کے قریب جاتے، اس کے مظہر کو دیکھتے، اس کی شخصیت کو دیکھتے رہتے. وہ شخصیت کے جس کے لیے کبھی طاہا کبھی کہا گیا، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی محبت سے اس کو مدثر پکارا گیا، کبھی صبح کے وقت توفیق خدا مندی اگر مل جائے اور آدمی قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کرنا ہے، طاہا واللیل، تو یقین جانیے کہ محبت کا ایسا شعلہ انسان کے دل میں بھڑکتا ہے کہ میں آپ سے کیا اس بارے میں عرض کروں. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبداللہ. زیارت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اصل میں متوجہ نہیں ہوتے اس طرف، اس لفظ کی اس قدر محبت میں ڈوبا ہوا یہ جملہ ہے، السلام علیکم یا محمد. ہمارے اور آپ کے لیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ بہت ہی آسان جملہ ہے، اس لیے کہ ہم نے معرفت کے ساتھ اس جملے کو ادا ہی نہیں کیا. لیکن آپ زیارت کے جملوں کو دیکھیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ، یہ ایسی شخصیت کہ جنہوں نے سب سے پہلے زیارت کی ہے. تو جب گئے یہ پہنچے تو اس دن اربعین تھا. کیا لکھا ہے ان کے بارے میں اگر آپ صلوات پڑھیں تو اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ جا
जब आप करीब पहुंचे तो जो साथ में था उससे कहा कि तुम्हारे पास कुछ खुशबू है। उसने कहा हाँ। तो रात में उतर के गुस्ल किया। खाली लोग ऐसे सुन लेते हैं ना, इसको कभी मौका मिले जिंदगी में तो अकेले बैठ के रात सोचिए। कहा कुछ, उन्होंने कहा कुछ ऊद है मेरे पास, तो उसको सर पर डाला और छोटे छोटे कदमों से ज़ियारत के लिए आगे बढ़े। ये छोटे छोटे कदमों से, उनको मालूम है कि हर कदम जन्नत का सवाब, हज का सवाब, उम्र का सवाब मिल रहा है। तो वो चाह रहे हैं कि रास्ता छोटा है लेकिन कदमों को इतना छोटा कर लिया जाए कि सवाब के उस दर्जे में पहुंचाया जाए। और जब वहां पहुंचे तो अपने आप को कब्र के ऊपर गिरा दिया। मैं जब ये ज़ियारत का जुमला पढ़ता हूँ तो मैं शिकवा करता हूँ, मौला आपकी ज़ियारत में लिखा है कि कब्र से अपने आप को छिपका दे। हमारी किस्मत ऐसी कहाँ कि हम आपके तब्र से चिपक जाए। हम तो पहुंच जाए तो बड़ी बात है, शरीर को छूने तो बहुत बड़ी बात है, न कि अपने आप को कब्र के ऊपर गिरा दे। तो ये जो कलमात है, ये जो तज़किरे इश्क है, ये एक ऐसा तज़किरा है कि हर तज़किरे वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी अहमियत खो देते हैं। लेकिन क्या इस तज़किरे में खुसूसियत है कि जब भी इसको बयान किया जाएगा उतना ही ज्यादा ताजा, उतने ही ज्यादा मुनव्वर, उतने ही ज्यादा बालीदगी दे हुए अपने अंदर रूहानियत और मानवियत। अब अगर कोई शिकायत करे कि साहब सूरज नहीं चमक रहा सही, तो बात ये नहीं है बल्कि हमने आईना गंदा रखा हुआ है। अगर हम आईना साफ कर लें तो सूरज उतनी ही आबोताब के साथ उसमें चमकेगा जितना वो पहले दिन चमक रहा। तो ये मजारिस जो आप बर्पा कर रहे हैं, ये इश्क की उस मंजिलों को तय करने की सिमत एक अदना समझ, समझने की तरफ कि इश्क क्या है। और याद रखिए जिस दिन इस इश्क का बोलबाला होगा तो उस दिन लोग जन्नत में जाने से इनकार करते हैं। कवायतों में ये लिखा है ना कि जन्नत के बाहर फर्श अज़ा पे लोग बैठे होंगे। ये रवायतों में है, उलमा से आपने सुना हुआ है कि फरिश्ते ही आके कहेंगे कि चलिए अंदर आप तशरीफ ले चलिए। वो कहेंगे जहाँ खातून जन्नत मौजूद हो, जहाँ जवाना ने जन्नत के सरदार मौजूद हो, उस फर्श अज़ा को छोड़ के जन्नत में हम क्या जाए। कहने आप समझे कि जन्नत को जन्नत की अजमत इसलिए मिल रही है कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये इश्क और ये वो मोहब्बत नहीं है कि जिस मोहब्बत का असर खत्म हो जाए, बल्कि अजीब और गरीब मोहब्बत। आपने कई मरतबा इस चीज को सुना सलवात भेजे मोहम्मद। देखिए मोहब्बतों के तस्करे उर्फा ने भी किए, उलमा ने भी किए अपने अपने तौर पर।
पहचान भी बताई है। मैं अक्सर कभी कभी अपने मौजूद सामयिक के सामने इसकी तशरीह करता हूँ, लेकिन आप उलमा ने बताया है कि भाई कलाम से मोहब्बत हुब्बुल कलाम, कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर, कुछ खास जुमले हैं जो आप अदा करते हैं, समझिए 2000 जुमले हैं जो मैं रोज बोलता हूँ, तो जब तक मैं बोल नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं है। हुब्बुल कलाम, कलाम की मोहब्बत, हुब्बुल निसा औरतों की मोहब्बत, पूरी दुनिया परेशान है इसमें। अच्छे अच्छे आयतुल्ला फेर इसके आगे कोई जुमला नहीं, उनकी अपनी एक अलग दुनिया, उनके अपने अलग अवानी, उनके अपने एक अलग अहकाम। हमारा हमारी तो यही दुआ है कि काश है, काश करबला की खवातीन से हमारी खवातीन कुछ कर सकें, कुछ अभी उस मंजिल पे नहीं आई, उस मंजिल पे नहीं पहुंचा कि जहाँ दिल में जज्बे इंसाफ और कुर्बानी में ना दुआएं अमली तौर पर वो समझें, वो इस दर्जे पर पहुंच जाए। आखिरी जुमला सुनिए, वो इस दर्जे पर पहुंच जाए जहां इमाम ज़मान को ये कहना पड़े कि जब तुम्हारी हाजत कबूल ना हो तो मेरी कुकी का वास्ता दे दिए तुम्हारे इमाम को। यहाँ दुश्मन नहीं, दोस्त नहीं, बल्कि दुश्मन भी आपने आंखों से आंसू बहाए। ये जुमला है ना कि आपने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस जिस्म को देख के जो जुमला कहा था, सब लोग रो दिए, दुश्मन भी रो दिए। या रसूल अल्लाह, जब आपका इंतकाल हुआ था तो उस वक्त फरिश्तों ने आके आपको गुस्ल दिया था, ये आप कौन से, इसकी चादर टूटी थी, जिसको बेयार मददगार ज़िबा कर डालने गए, जिसके जिस्म पर खाक हो रही, उसके पीछे बड़ा राज था। जुमले के पीछे काश हमारी ख़वातीन और हम उनके उस जुमले की अहमियत को समझें। क्योंकि तज़किरा आ गया तो मैंने कर दिया, आगे आप बढ़ेंगे तो मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपको जल्दी जल्दी आपकी मंजिलें तय करना चाहता हूँ। 10 दिनों में अगर अल्लाह ने कुछ तौफीक मुझे दी कि मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश कर, इस हाल में भी मेरा जहन पूरा खाली है और मैं इमाम के सहारे यहाँ बैठा हूँ कि अगर कोई खिदमत वो मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। चाहे हुबुर रियासत हो कि 10-15 आदमी हमारे पीछे चले, तो मौलाना ने इरशाद फरमा दिया कि जिनके पीछे चप्पलों के चलने की आवाज आएगी वो खुद भी बर्बाद होंगे और जो साथ पीछे पीछे चल रहे हैं उनको भी बर्बाद करेंगे। या हुबुर नौम हो, रात 9 बजे सोए तो सुबह 9 बजे तक सोते हैं, 12 घंटे की बात भी आदमी ने किया। या हुब्बु ताम हो कि अपने घर की बिरयानी छोड़कर दूसरे के दाल चावल के लिए 10 किलोमीटर सफर किया। तल्ख बातें अक्सर कहीं खाली बैठ के सोचिए कि अपने घर वालों के साथ रूखी रोटी खा लेना दूसरे की बिरयानी से ज्यादा अच्छा है, इसलिए
क्योंकि अपने दस्तरखान पर बैठ के आप बच्चों को तरबियत कर सकते और दूसरे दस्तरखान पे आपकी तरबियत नहीं हो सकती। तो आप किसी भी मोहब्बत में रहिए, चाहे ताम में, चाहे कलाम में, चाहे नौम में, चाहे हुक्म निसा में, तमाम चीजों में, लेकिन ये जो मोहब्बत है जिसके लिए हम जमा हुए हैं, क्या है ये मोहब्बत, क्या करती है मोहब्बत? क्योंकि रिजल्ट खाली मोहब्बत का इकरार करना आसान काम नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए इसका इम्पैक्ट कितना हुआ, इसका असर कितना हुआ इस मोहब्बत का। मोहब्बत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंसान को उस मुर्दगी से। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, बड़ा मेहरबानी। एक और सवाल दे दीजिए, ये मोहब्बत इंसान को उस दर्जे पर लेके जाती है, इसको हमको जानना है बिना किसी मनफी चीज के, बिना किसी निगेटिव इम्पैक्ट के। मैं बिल्कुल एकदम साफ और सीधी चीज आपके सामने पेश करने की जुरत कर रहा हूं कि जब हमने जाना कि मोहब्बत क्या है, तो हर चीज का इंसान की फितरत में एक चीज है कि साहब हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें हमको फायदा क्या मिलेगा। लेकिन मामला ये कि ना हम जा रहे हैं, हमको फायदा क्यों मिलेगा? फायदा किसके चाहिए कि आदमी अपने इस हार्ड वर्क का, इस टफ वर्क का, इस मुश्किलों का, मुसीबतों का रिजल्ट चाहता है, और अल्लाह ने भी रिजल्ट रखा है, जन्नत और जहन्नम रिजल्ट ही है। ये और बात है कि उसने रिजल्ट इतना अच्छा रखा है कि जो जहन्नम, यहाँ अक्सर ये होता है कि लोग इल्जाम लगा देते हैं कि साहब देखिए वो मैं तो पास था, मुझे जबरदस्ती फेल कर दिया गया, है ना। दुनिया में ये कैफियत होती है ना, इंसान की साइकोलॉजी है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जो है इल्म नफ्सियात, उन्होंने कैसे पेश किया कि बच्चा गिर गया अगर जमीन में तो माँ क्या कहती उसके सामने, बेटा ये ना कुर्सी में तुमको गिराया, ये चीटी ने ऐसा किया, चीटी को मार दो। लेकिन बहुत एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी बीवी ही बैठी हुई, वो भी साइकोलॉजिस्ट थी, तो वो गिर गया बच्चा, तो उसने कहा कि मॉम दिस चेयर मेड मी फॉल, इसकी वजह से मैं गिर गया। नहीं बेटा नहीं, ये तुम खुद से गिरे हो, ये कबूल करो कि तुम खुद से गिरे हो। हमने तो ये बता दिया कि बेटा तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी इस चेयर की। तो हमारे साथ भी वही मसला होता है कि जब हम कोई काम करने आते हैं, तो इसलिए हमारे मजहब में बता दिया गया, इसलिए हमारे वहां अहकाम वाजे कर दिए गए। क्या अहकाम वाजे? पहले देख लो कि तुम क्या अमल करने जा रहे हो और अमल में तुमको क्या मिलेगा। इसलिए जो जहन्नम में जाएगा वो ये नहीं कहेगा कि या अल्लाह तूने हमें गलत जगह पे रखा, वो कहेगा या अल्लाह तू आदिल है, मैं जहन्नमी था इसलिए तूने मुझे वहां रखा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कोई एक जहन्नमी ये नहीं कहेगा कि अल्लाह ऐसे कैसे कर दिया तूने, और ऐसा था वैसा था। हाँ ये और कहेगा कि या अल्लाह मुझे उम्मीद तुझसे कुछ और थी। क्या भाई उम्मीद थी? क्या या अल्लाह मुझसे मुझे उम्मीद थी कि तू मुझे बख्श देगा। तो वहां पे ये भी रवायत में लिखा गया है, अल्लाह कहेगा कि वैसे तो तुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि आज तू इस बात को कह रहा है, इसलिए हम तुझे साबित करेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे कि जो मुझसे जो उम्मीद रखेगा मैं उसकी उम्मीद को पूरा करूंगा। सलवात भेजिए अकली फेल। हमारे पास कोई भी अमल किसी पे इम्पोज नहीं किया गया, किसी पे लादा नहीं गया, सारी चीजें बांट दी गई, उलमा ने हर चीज बांट दी गई, ये मकरूह है साहब, बता दिया गया कि ये है ये है, ये हराम है और ये है ये है, ये वाजिब है, ये मुस्तहब है, मुबाह है, सब उसके अंदर बांट के वो। और ये जो उलमा ने अपने तरह से नहीं बताया, अगर कोई ये तसव्वुर करता है
कि किसी आलिम ने अपनी जाती फिक्र से बताया तो नहीं, आइम्मा ने खुद से जो आइम्मा ने बताया। आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि अगर दो खुदा होते तो आपस में लड़ाई होती और पूरा जो निज़ाम था वो बिगड़ जाता, तो क्या ये किसी आयतुल्ला ने बताया है? ये दुआए अरफा में खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया है कि या अल्लाह अगर तेरे सिवा कोई और खुदा होता, क्योंकि इतनी बड़ी सोच तक पहुंचना उलमा का काम नहीं है, किसी इमाम का काम, यहां तक रीच करना। तो जो चीजें हमको बताई गई वो अकली तौर पर बताई गई, जो चीज बताई गई उसको अकल के तौर पर परखा गया कि बगैर हमारे में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि साहब फला अमल कर लीजिएगा तो अमल होंगे, नहीं, अमल को उलमा से जोड़ा गया और उलमा को इमाम से जोड़ा गया। वो भी छानते हैं, वो भी फटकते हैं और वो भी उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये और बात है कि दवाओं के असर अलग अलग होते हैं, तो वह जिसकी जैसी मर्जी है डॉक्टर को दे देता है, डॉक्टर बदलना ना बदलना आपका काम। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब ये कैसे आपने गोली दे दी, हमें तो पीली वाली गोली अच्छी लगती थी और आपने तो हमको गुलाबी गोली दे दी, तो कहेगा भाई डॉक्टर मैं हूँ क्या, मर्ज मैं पहचानता हूँ क्या पहचानता अपने तौर पर। तो अब यहाँ बात आई कि हम जो भी अमल करते हैं वो अकली तौर पर है। आइसक्रीम खाने से बच्चों को मोहब्बत है, आपको बहुत मोहब्बत, चॉकलेट खाने से आपको मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, देखिए बिरयानी खाने से मोहब्बत है मोहब्बत, लेकिन क्या ये मोहब्बत बाकी रहती है हमेशा? नहीं, बाकी नहीं रहती, कम हो जाती है। पहला लुकमा अच्छा लगता है लेकिन 20वां लुकमा, ये इकोनॉमिक्स बताते हैं यूटिलिटी, जितना खाते जाएंगे उतना इश्तेहा कम होती चली जाएगी और एक वक्त ये आता है आप कहते हैं भाई अब बहुत, क्यों? अब पहले लुकमे के वक्त जो मजा था उनमें था नहीं, बहुत हमने, लेकिन आपने रिजल्ट के अंदर 100 में से 100 मार्क्स दिए, 50 साल के बाद आपने अपना रिजल्ट देखा रात के 2 बजे, वो रिजल्ट देखकर आपको खुशी महसूस हुई, क्या है भाई ये खुशी? अब तो वक्त गुजर गया, आपने पता नहीं मालूम हुआ कि अकली मोहब्बत है, जब भी देखेंगे जिस जितनी भी मर्तबा देखेंगे आपको वो देख के मजा आएगा, क्यों? क्योंकि अपने अपनी मेहनत का सिला है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हजरत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अकली मोहब्बत है, जितनी मर्तबा इंसान सुनेगा उतनी मर्तबा बाबा कहेगा, जितनी मर्तबा उनका तस्किरा सुनेगा उतनी मर्तबा उसकी रूह बुलंद होगी, और जब रूह बुलंद होगी तो क्या काम करेगा? एक्शन करेगा, हर चीज एक्शन की तरफ तैयारी। मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी थी, क्या आयत थी, अजीब और गरीब आयत है, पूरे कुरान में अगर आप इस आयत को देखें, ये क्या है, इन्ना औलिया अल्लाह है, यकीनन जो अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको कोई खौफ है और ना उनको कोई डर है। अभी तो बेचारी दुनिया पूरी डरी हुई है, लेकिन जो जैसा कह दे वैसा आपको करना है, डबल डोज लगवाना है तो लगवाना ही है, चाहे आपको कितने डोज घर में मिलते हो सुबह, लेकिन आपको वो डोज लगाना है, वैक्सीनेटेड जाना है आपको। तो ये इस दुनिया के अंदर दो ही चीजें हैं, एक क्या है, खौफ है और एक डर, दो ही चीज तो पूरी दुनिया है। आप देखिए किसी से ये बात की थी, वो आपको या खौफ की मंजिल पे मिलेगा और या डर की मंजिल पे मिलेगा। खौफ की मंजिल क्या है, कि या अल्लाह मेरे पास जो है वो खो ना जाए, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति खरबपति बेचारे बॉम्बे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लेके सोते हैं कि कल सनसेक्स उछल जाएगा, पता नहीं फिर कौन सी कंपनी कहाँ पहुंच जाएगी, नहीं आ रही, डॉक्टर को फोन किया था, डॉक्टर साहब
पहले आ जाइए हॉस्पिटल में सोने के लिए, आपको लगाते ही इंजेक्शन आराम से सो। खौफ है कि जो चीज़ हमारे पास आ गई है वो चली ना जाए, चाहे इख्तदार हो किसी भी चीज का। एक पूरा ग्रोह है जो खौफ में मुब्तला है और एक पूरा ग्रोह है जो गम में मुब्तला है। हाय अल्लाह काश हमारे पास होती, वो गम में वो खौफ में, उनके पास है कहीं चली न जाए, इनके पास क्यों नहीं हमारे पास है। अल्लाह कह रहा है कि हमारे जो चाहने वाले हैं, हमसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, ना इस तरफ है ना इस तरफ। क्योंकि मसला क्या है कि ये जो दोनों लोग हैं, इसको भी दुनियावी शक्ल भी मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, इसकी दुनियावी शक्ल भी आपको जापान में मिलेगी, वो एक महीने का काम एक दिन में कर लेते। सबसे ज्यादा मुश्किल जो हम रहे जापान जापानीज लोगों के लिए, एक महीने का काम उनका एक दिन का काम एक घंटे में, इतने वो टेक्निकल टेंशन में। तो उन्होंने कहा कि साहब हम अपनी ये टेंशन कैसे दूर करें। तो उन्होंने कहा सुनिए, ना आप कल वाले कल में रहिए, ना आने वाले कल में रहिए, आप आज में रहिए। तो आप ना जाने वाला कल भी मत, आप जो गया हो गया खत्म, और जो आने वाला है उसके चक्कर में आप क्यों रहिए, तो आप उसमें रहिए। इमाम हुसैन सलाम की मोहब्बत आपको आज में रहना सिखाती है, हजरत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आपको आज में रहना सिखाती है। क्या सिखाती है कि या अल्लाह इस वक्त तू मेरे साथ है। ये जुमला मौला का जो इरफान का जुमला है कि या अल्लाह जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। यही तो दो कैटेगरी में बांटे हुए इंसान को, कि जिसको ये मालूम है कि खुदा कल भी मेरे साथ था और खुदा अब मेरे साथ है और कल भी मेरे साथ होगा। तो जब मैं वजूद में नहीं था तब भी खुदा मेरे ऊपर मेहरबान था, और अब जब मैं वजूद की हालत में हूँ, इस आलम हस्ती में हूँ, तो भी अल्लाह मेरे साथ है, और कल जब मुझे मेरे रिश्तेदार छोड़ के कब्रिस्तान में चले जाएंगे तब भी मेरे पास खुदा होगा। तो ऐसा शख्स हुआ है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना जिसको गुज़िश्ता का डर है ना जिसको आइंदा का खौफ है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो आज के दौर में इंसान को बिलखसूस नौजवानों को और बच्चों को समझना जरूरी है कि कर्बला कैसे रिलेवेंट है। अब 1483 साल पहले कैसे कर्बला थी वो तो अलग मसला है, लेकिन आज के जो मसाइल हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये है मसला। मसाइल हैं, मसाइल बाकी है। कब मसाइल रहेंगे? जब तक हम मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जुमला आपके सामने क्लियर हो गया कि खुदा का वली वो है, खुदा का दोस्त वो है, खुदा का चाहने वाला वो है जिसके पास दो चीजें मौजूद नहीं होती, ना खौफ और ना डर। ये किस वजह से होता है? खौफ किस वजह से होता है? जब इंसान के पास यकीन नहीं। लेकिन गम किसके पास होता है? जिसके पास यकीन ना हो, जो बिलीव ना करता हो। और कर्बला हमको क्या सिखाती है? बिलीव करना। आज आपने देख लिया ना इमाम हुसैन साहब का रोज़ा, आज आपने देख लिया कि चमकते हुए मीनार है, आज आपने देख लिया कि इतना बड़ा सहन है, आज आपने देख लिया कि उनका शानदार गुरबत है। लेकिन ये आपकी और हमारी नजरें, वो जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नजर थी, जिसने 11 मुहर्रम को देख लिया था कि जब सैयद सज्जाद की आलम कैफियत ये हुई कि रूह निकल जाएगी बाहर, तो आगे बढ़ के कह दी बेटा घबराओ मत, यही एक शानदार गुंबद तैयार होगा जिसमें दुनिया भर के लोग आएंगे तुम्हारे बाप की ज़ियारत करने। तो हमारी नजरें ये हैं जो सामने की चीजें देखती हैं, और ज़ैनब की नजरें वो हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, जिसको हम बिलीव कहते हैं। क्या बिलीव है इस आलम में? इस आलम में क्या बिलीव? ये बिलीव हमको पैदा करना है। कर्बला ये यकीन हमको सिखाती है कि ये होगा,
अक्सर हमारा यकीन टकमगा जाता है सन 2021 में, हालात को देख के हम सोचते हैं नहीं। याद रखिएगा, आज मैं आपको सामने दुआए अरफा का वो जुमला पढ़ना चाहता हूँ पहली मजलिस में, कि दुआए अरफा के अंदर ये जुमला है, आपने देखा होगा कि या अल्लाह, अजीब और गरीब जुमला है, इस जुमले के ऊपर आप गौर व फिक्र कीजिए, सोचिए। जुमला मैं आपको बता रहे तोहफा ये दे के जा रहा हूँ कि मौला क्या फरमाते हैं कि या अल्लाह तगैयुरात ज़माना को देखने के बाद, ऊपर अप्स एंड डाउन्स को देखने के बाद, मैं ये समझ गया हूँ कि ये दुनिया को तब्दील तू इसलिए करता है ताकि अपने आप को पहचानवाए। और से सुनिएगा जुमला, क्योंकि उलमा ये जुमला एक जुमला कह के निकल जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा एक तालिबे-ए-इल्माना हैसियत से मैं आपके सामने एक और जुमला उसका पेश कर दूँ। तगैयुरात का मतलब क्या भाई, ये चेंजेस का मतलब क्या? तो अगर बेटे की बात समझना हो तो आपको बाप की बात समझनी पड़ेगी, और आपको बेटे की दुआ सुनना है तो आपको पोते की दुआ सुननी पड़ेगी। आपको ताज्जुब है कि आपको एक इमाम को समझना है तो आपको दूसरे इमाम से उस इमाम की बात को समझना पड़ेगा। अब देखिए वालिद क्या कह रहे हैं, हमारे और आपके पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब, क्या इरशाद फरमा रहे हैं? अरफ तो रब्बी बिफिस्किल अज़ाइम, या अल्लाह मैंने तुझे अपने इरादों के टूटने से पहचाना। मैंने सोचा था कि आज मैं ये काम करूंगा, जब मैं बाहर निकला तो मुझे मालूम पड़ा कि वो काम होगा ही नहीं, तो मेरी प्लानिंग कुछ और थी और तेरी प्लानिंग कुछ और है, और तेरी प्लानिंग वो है जिसने मेरी प्लानिंग को खत्म कर दिया। तो मैंने पहचान लिया, ओहो मैं जो हूँ बगैर तुझसे रब्ता किए हुए, यानी हर काम के अंदर क्या होना चाहिए, मैं पहले तुझसे पूछूंगा या अल्लाह, मैं काम करने के लिए तो जा रहा हूँ। तो फिर वो जुमला आ गया कि असय्यु मिन्नी व इत्मामु मिन अल्लाह, काम या अल्लाह मैं करूँगा लेकिन उसको तमाम तू ही करेगा, तू ही तमाम करेगा उस काम। और अगर मैंने ये सोच लिया कि सब काम मैं करूंगा तो समझ जाइए वो काम कभी ना होगा। आपने सोचा मैं करूंगा, जहां आपके जहन में ये फिक्र आई, इसीलिए आइमा ने कहा मत सोचो मत सोचो मत सोचो। जब हमने भी मुर्दे को जिंदा किया तो पहले दो रकअत नमाज पढ़ी और ये बताया कि सारा पावर हम ले सकते हैं उसके जरिए। और यही हमारे दरमियान यही मसला है, हमारे बच्चों का यही मसला है कि कनेक्टिविटी अल्लाह से जो है जब टूट जाती है आदमी की, तो फिर वो उस जहाज की तरह होता है जो रडार से अलग हो गया, फिर वो कहीं भी क्रैश हो सकता है। लेकिन जब तक वो अपने सेंटर से जुड़ा रहेगा, और करबला का सेंटर क्या, आप देखिए दुआ दिन भर आपको एक ही चीज मिली, दुआ दुआ दुआ। यानी कभी कभी हम बोलते हैं यार हम काम कर रहे हैं, काम कंप्लीट क्यों नहीं होता? नहीं होगा। एक साहब ने कल लिख के भेजा, मैं सोचता हूँ कि दुनिया बैक टू ट्रैक आ जाए। मैंने देखा ये आपकी खाम ख्याली है, अब दुनिया बैक टू ट्रैक नहीं आने वाली। कहने आप अपनी मिस्टेक नहीं है, आप पूर्व उम्मीद नहीं है। मैं बोला मैं पूर्व उम्मीद हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मौला जो जुमला कह रहे हैं कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा, है ना, क्या जुमला है मौला का, इस जमाने के लिए तो है कि फिर की कोई और जमाना आएगा। अमीरुल मोमिनीन चार तुम्हारे नजर बराना में कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में फंसोगे। आपने पिछले 40 साल से कौन सा पल सुकून का देखा है? कोई पल आपने देखा? फंसे में आप, क्या है भाई सेक्युलरिज्म, क्या है भाई लिबरलिज्म, क्या है भाई ह्यूमैनिज्म, क्या है भाई सोशलिज्म, रोज एक नई फिक्र है आपके सामने। आपने नहीं देखा शर्ट पे लिखा हुआ है बीइंग ह्यूमन, इंसान बनिए, सुना है, देखा है ना आपने? ये कहां से आया, हमने और आपने अभी तक इंसान नहीं थे, जानवर थे, क्या थे? उनका नहीं, ये जुमला पहुंचाया गया आप तक कि साहब इंसान बनिए आप,
एक जुमला और पहुंचाया गया है, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, किस लिए? ये जुमला का इतनी बड़ी बात कहते हो, सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है हुजूर, ये इस्लाम को कम करने के लिए कहा जा रहा है। इस्लाम से बड़ा कौन सा मजहब इंसानियत का होगा? इस्लाम को कम करने के लिए कहा गया, इंसान को बिठा दिया गया अल्लाह की जगह, अब अल्लाह की लोगों को जरूरत नहीं। यही तो कहा गया, एक आदमी के लिए आपके जेब से पैसे निकाले गए ना, यही तो लिबरलिज्म है, यही तो दुनिया तब्दील हो रही है। अब इसको कैसे एक जगह लाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा मसीहा है बारहवें इमाम का। काश हमारे शिया हमसे किए हुए अहद पर एक दिन होती तो हमसे उनसे मुलाकात में ताखीर ना हो। हम एक दिन है मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर हम सच्चा मोमिन बनने के लिए, तो कहिए कि जो बूढ़ी लकड़ी है वो टूट सकती है और झुक नहीं सकती, मैंने इशारतन कर दिया। अब काम कैसे किस पे किया जा सकता है? उन नौजवानों के, उन बच्चों, उन लोगों पे वर्कआउट किया जा सकता है जो बातें सुनते हैं। कान को इसीलिए अजमत दी गई, आंखों को इसीलिए अजमत दी गई, दिल को इसीलिए अजमत दी गई कि कुरान में बार बार कहा गया अफल अफलम ये तफक्करून, क्या तुम समझ रहे हो सोच रहे हो? अवलम ताकिलून, क्या तुमने गौर व फिक्र किया है? अफला ये तदब्बरून, क्या तुम सोचते भी हो? यानी हमने तुमको जेन दिया है तो तुमको इस पर सोचना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सोच सकता है तो सिवाय फर्श ऐसा कि कहीं सोच ही नहीं सकता, सोचता रहता है, उसकी सोच की आपको मालूम है उसकी फिक्र आगे रहती है। चूँकि तमहीदी मजलिस है तो इसलिए मैंने इस चीज़ को निकाला आपके सामने कि फिक्र दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाम है। फिक्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत का नाम, इससे बड़ी कोई ताकत है ही नहीं, दुनिया में पैदा ही नहीं की गई। अगर इस ये ताकत कंप्यूटर्स के पास होती तो आज कंप्यूटर इंसान का मालिक होता, लेकिन मसला ये है कि कंप्यूटर बेचारा खुद से सोच नहीं सकता। इंटर पे उंगली तो आपको ही मारनी है, बड़े बड़े काम रोबोट्स कर सकते हैं लेकिन बेचारे खुद से सिस्टम चला नहीं सकते। इंटर तो आप ही को मान रहे हैं, ओपन तो आपको ही करना है, और अब आपने ओपन कर दिया तो कुरान में लोग कहते हैं ना कुरान और साइंस का क्या ताल्लुक, कुरान का कुरान की, कुरान जो है वो किसी इल्म की किताब थोड़ी हो, तो आइडिया देता है आपको कि आप आइडिया का इस्तेमाल कीजिए। कुरान ने क्या आइडिया दिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बाकी आप बोलेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसके बाद फौरन कौन सी आयत जहां आप पढ़िए ये आयत आपको मिलेगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ऐ ईमान लाने वालों अमल करो। ये ईमान लाना क्या है? सोचना है। ईमान का मतलब क्या है? सोचना, गौर व फिक्र करना। आपने गौर व फिक्र कर लिया, ईमान ले आए, बिलीव कर दिया, यकीन कर लिया उसके ऊपर। जैसे ही आपने यकीन कर लिया तो उसके फौरन बाद क्या कहा अल्लाह ने कि अब अमल शुरू कर दो। ठीक है, अब अमल शुरू कर दो। हाँ, अमल में भी याद रखना अफराद और तफरीत नहीं हो। हमने अमल को ऐसा किया है कि जो तुम में सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाला था उसको भी कह दिया या अय्युहल मुज़म्मिल कुम बिललैलि इल्ला क़लीला, कि तुम नमाज को जो कायम करो थोड़े से वक्फे के लिए, थोड़े से वक्फे का मतलब क़लीला का मतलब। उन्होंने कहा साहब अगर ये रात का तज़किरा हो जाता, उलमा ने इसके ऊपर बहस की कि क़लीला इसलिए कहा कि कभी नमाज शब 11 बजे रात में भी शुरू हो जाती है और कभी 1 बजे ऊपर नीचे होता रहता, तो आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा, किसी के बोलने से अमल मत कीजिएगा, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा हो उस अमल को आप अंजाम दीजिएगा। और किसी ने कहा कि तो आपका पेट नहीं है फिर का खा लीजिए साहब, हमारी मोहब्बत में खा लीजिए। मोहब्बत में उन्होंने मुर्गी की एक टांग खिलाई और सारी रात जो थी
वो हॉस्पिटल में गुजरी, मोहब्बत में खिला दी। ये कैसी मोहब्बत थी जो इंसान सारी जान परेशान था। तो ये हमारे लिए क्या कहा, अमल करने से पहले भी सोचो, गौर फिक्र करो। अमल करने से पहले गौर फिक्र करना, थोड़ा अमल करना। मौला ने क्या जुमला इरशाद फरमा दिया, वो थोड़ा अमल, बड़ा अच्छा जुमला। बराए मेहरबानी इसको निगेटिव में ना ले, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे लगने का मरूम थे बेचारे, मरूम हो गए, मैं नाम ले लूँगा उनको तो मेरे पास है, कहने कोई शॉर्टकट अमल बताओ। मैं बोला कब के लिए चाहिए, काशों के कदर के लिए चाहिए। मैंने कहा वसू करके सो जाइए। बोले इससे क्या होगा। मैंने कहा कि वो बिस्तर जो है वो जानमाज बन जाएगा और आप नमाजी बन जाएंगे और आपका रात भर सोना इबादत बन जाएगा। उन्होंने जल्दी जल्दी वजू किया, चटाई बिछाई और उस पर तकिया रखी। तो बेगम साहब ने पूछा है ये क्या करने जा रहे हो आज की रात। बोले नहीं सलमान ने सका है। उन्होंने कहा अरे वो और रातों की बात है भाई, जिसमें सोने का आज तो जागने का ही बात है, आज जागना है आपको तो मेरे पास है। मैंने कहा देखिए आप शॉर्टकट मांग रहे थे ना, मैंने आपको शॉर्टकट चीज बताई। लेकिन मौला ने क्या जुमला कहा, खाली शॉर्टकट नहीं कहा, मौला ने यह जुमला कहा कि अगर कलील अमल भी है लेकिन उसमें हमेशगी पाई जाती है तो वो कम अमल नहीं, बहुत ज्यादा। मैं रुक एक जुमला कहता हूँ, आपको अपने माँ की याद आ गई, आपकी माँ ने क्या सुना, आप तीन मरतबा कुल अल्लाह और एक मरतबा सो रहे हैं, हम पढ़ने का आपको जी चाहेगा लेकिन आप ट्रेन में घुसते जाने, वही डबल डोज लेके जाना आपको। अब आप इंटर हो रहे हैं क्या करेंगे, आप भूल जाएंगे उसे। तो सबसे आसान तरीका है ना कि शुरुआत बातचीत बदल उनके साथ आपको भेज दें, स्विच ओवर। इंसान की जिंदगी में आपको बता रहा हूं कि मौला की मोहब्बत ने क्या कहा, देखो स्विच ओवर अपने आप को करते रहना, मौके के लिहाज से अपने आप को बदलना। ईमान के लिए यही शर्त लगाई, हमसे जो मोहब्बत करने वाला है वो क्या करता है, एक चीज बदली, अपने अपने टाइम टेबल के लिहाज से अपनी चीजों को तब्दील करता है। शायद किसी चाहने वाले ने यही किया, बुलाया इमाम को, कहा जरा बाहर आइए, इमाम बैठे हुए थे, क्या काम है, जरा फला से फला काम है, आपको मेरे साथ चलना है। इमाम लेके गए, जब वो काम कर दिया तो इमाम ने पूछा कि भाई अब क्या, तुमने मुझे क्यों बुलाया। कहा इसलिए बुलाया ताकि आप ये काम कर दो। तो कहा मस्जिद में मेरे बड़े भाई हसन भी बैठे हुए हैं, उनको भी तुम बुला सकते थे। तो उसने कहा मौला असल में ना वो एतकाफ में थे, वो एतकाफ में थे तो उनको मैं एतकाफ तोड़ के बुलाता कैसे। मौला ने कहा अगर तुम उनको बुलाते तो उनका एतकाफ तोड़ना 70,000 एतकाफ के बराबर होता, क्योंकि उन्होंने अपने मोमिन भाई की मदद की। तसव्वुर कीजिए कि अमल के लिए ये मत सोचिए कि अमल ज्यादा हो, यहां मोहब्बत के साथ किया गया। आप कभी कभी सुनते ना कि मोहब्बत के साथ आपकी आंखों से बहाया गया एक कतरा काफी, एक कतरा आज आज के लिए सिर्फ इतना कि तगयुरात जमाना, जमाना की तब्दीली में जो चीज़ें होती हैं उनको गौर से नज़र में लाइए, देखिए क्या जमाना तब्दील हो रहा है, जमाने को समझने की कोशिश कीजिए। और जमाना इमाम जमाना को समझे बिना नहीं हो सकता। जमाना हजरत अली अलैहि सलाम को आपने सुना होगा, मैं एकदम नया कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि जब शेर पढ़े इमाम हुसैन सलाम ने तो क्या जुमले पढ़े आप, शबे आशूर जब शेर पढ़े कि ऐ दुनिया तू कैसे कैसे अंदाज में रंग बदलती है, कि सुबह को तू किसी की दोस्त होती है और शाम को तू किसी की दुश्मन होती है। ये तखय्युरात जमाना है, 30,000 आदमियों ने जिसके हाथ में बयत की हो उस मुस्लिम के लिए एक भी आदमी रात को बाहर नहीं, एक आदमी, ये तकय्युरात जमाने। ये किन लोगों को होता है, जो लोग उससे मुतमईन होके बैठ जाते हैं, दुनिया से बैंक बैलेंस से मुतमईन, घर से मुतमईन, सुकून में जो बैठ जाते हैं वो लोग।
और मौलाना ये जुमला है हमारे सामने कह दिया कि दुनिया छूने में नर्म मालूम होती है, सांप की तरह है, नर्म मालूम होती है लेकिन इसके अंदर जहर भरा हुआ है। नादान इसको उठा लेता है और अकलमंद दूर रट जाता है। यही चीजें। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कह चुका, शनासा आदमी पहचानिए कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है। अपने बच्चों को पहचान कराइए, नहीं तो ये हो जाएगा कि बाद में आपने धोखा खा लिया और फिर कहा कि बेटा क्या करें, धोखा खा लिया। मोमिन एक सुधा से दूसरी मरतबा नहीं दसा जाता। ये दूसरा आपको मैसेज दे रहा हूँ कि करबला में और उससे पहले भी आइम्मा का ये फलसफा रहा कि हर आदमी को पहचान के, हम लोगों को भी इस जमाने में लोगों को पहचानना है। कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पहचानिए। किसी को पैसा देने जा रहे हैं, पहचानिए। किसी से एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, मजहब कह रहे हैं, पहचानिए किसको दे रहे हैं। शादी करने जा रहे हैं, पहचानिए किससे कर रहे हैं। दोस्त बनाने जा रहे हैं, पहचानिए किसको दोस्त बना रहे हैं। झूठे को दोस्त मत बनाइए, नादान को दोस्त मत बनाइए, रिश्तेदारों से लड़ने वालों को दोस्त मत बनाइए। अब बताया जा चुका, बिजनेस करने जा रहे हैं, पहचानिए कहाँ जा रहे हैं। पहले बैत ने बताया, पहचानते थे लोग, जाते थे उनके पास, मौला आपके पास ये ना है तो क्या कहते थे, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते थे ये क्या चीज़ है, क्यों ना मेरे लिए, रो मौला मैं सुन रही ये सब चीज़ों में नहीं। ये हमको करना है सबक, एक कि हमारी मोहब्बत अपनी मोहब्बत हो, दूसरा हमारा यकीन खुदा पर यकीन कामिल हो कि ये होगा ही, और तीसरा कि जो हम यकीन अपने अंदर लिए वही यकीन हमारे बच्चों में जाना चाहिए। ये सबक है जो आपको देना है। हम और आप 50 साल बाद यहाँ होंगे, 100 साल बाद हम में से कोई यहाँ मौजूद होगा, जितने लोग होंगे सब जमीन के नीचे होंगे। तो सोचिए, इतना खुदगर्ज है, सिर्फ हम अपने लिए सोचते, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते। आज से 50 साल बाद उनका क्या आलम होगा, जब जमाने की नारंगियां नवाने में तब्दीलियां होंगी। पहले बैठे जगह जगह समझाया है, आखिर में मैं उसे इस्लाम ने कहा है, एकदम आखिर में जनाब अली असलम को दफन करने के बाद आने के बाद एक जुमला कहा है, तुम लोग अपने मकने और चादर जोर से बांध दो क्योंकि अब दुश्मन की बेइज्जती शुरू होने वाली है। जितना हम पर जुल्म था वो खत्म हो रहा है आज के बाद। अब आज के बाद जो है दीन बुलंद होगा, आज के बाद लोगों को रियलाइज होगा कि अरे बाप रे क्या होगा। तो हम लोगों को भी समझना चाहिए कि ये आसान नहीं है, ये जो पैगाम उनको दिया गया हमारे हम तक पहुंचना चाहिए हमारे बच्चों को। एक दिन कोई चीज हमारी बच्ची ने तोड़ दी, दूसरे ने उसको पूछा कि तुमने चीज तोड़ दी, तो उसने कहा कि जाने दीजिए क्या हो गया, वापस दूसरी ले आई। कि जुमला उसने कहा मैंने सुन लिया, अकेले मैंने अल्लाह से मुखातिब हो गया, अल्लाह ये यकीन जो मेरी बच्ची को है मेरे बारे में, ये यकीन तू मुझे अपने बारे में करा दे कि मुझे बिलीव हो जाए कि या अल्लाह तू ही देगा मुझे, है ना। मैं इमाम हुसैन का जुमला सुनते ना कि सर सर के बेटे ने या अल्लाह मैं तेरे अलावा किसी को पहचानता ही नहीं कि जिसमें मुसीबत में तेरा रुख छोड़ के उससे तलब करूँ। या अल्लाह मैं अपने बच्चों का तेरे दीदार के शौक में यतीम बना के आ गया हूँ। अरे बाप रे, ये जुमला कि या अल्लाह मैं तेरे दीदार के शौक में अपने बच्चों में यतीम बना, ऐसे ही छोटे मोटे बच्चे नहीं थे, ऐसे हमारे आपके बच्चे नहीं थे, वो सकीना थी जिनको यतीम बना रो अच्छा। ऐसे ही अपने घर वालों को छोड़ के मौला नहीं, तो इस यतीम की मंजिल पर या अल्लाह मैं तेरे दीदार की शौक। और मैं आपको बताऊं ये सुकून देगी चीज, ये आपको सुकून देगी। शायद यही वजह है कि सुकून दुनिया में दो ही तरीके से मिल सकता है, या जिक्र खुदा या जिक्र ए मौला, ए मौला ये कैसा आपने मरहम पैदा कर दिया है कि हमारे हर जख्म के अंदर ये हमारा मदावा बन जाता। मौला हमें बेकरारी बहुत होती है अपने उसे पर बिछड़ने में, कितने हमारे दोस्त हमको छोड़कर आज कब्र के अंदर है, जब उतरते हैं मुंबई स्टेशन पे तो उनको सबको नजरें, हमारी कैफियत ये है
कि जब हमारे रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारे दिल पे ये कैफियत है। उस हुसैन के दिल की कैफियत समझिएगा, जब खैमा गाह से बाहर निकले आवाज देते ऐना ऐना अब्बास, ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना हबीब इब्न मज़हब, एक एक को आवाज देते ऐ मेरे शेर। और फिर उसके बाद सारा गम उबल आया, या अब्ताल सफा वाहे जानन फुरसा, ऐ मेरे शेरो, ऐ मेरे शेर सवारो, तुम्हारा ईमान तुमको आवाज देगा। ताई पानी जो है वो नजरतन इलाश माल मजरू पही है कि मैंने इधर उधर देखा और देखने के बाद अली अकबर नजर आ गए, अब्बास की याद आ गई। तो वो बचपन की जो बहन थी, जो अभी तक अपने भाई को देखे बिना चैन से नहीं रह पाती थी, वो आई और उसने कहा तो भैया मैं आपको घोड़े पे सवार कराऊंगी, मैं आपको घोड़े पे सवार कराऊंगी। तो जनाबे अली अकबर हाथ थामा करते और जनाबे अब्बास नकाब थामा करते, तो एक मुअज्जमा आगे बढ़ी और उन्होंने नकाब थाम के जुमला कहा कि मौला मौला अपने कदम मुबारक को नकाब में रखिए। इमाम अली मकाम ने अपने चेहरे को उठा कहा मौसम मैंने आपको पहचान नहीं, आपको मैंने आपको पहचान नहीं। उन्होंने कहा मैं अब्बास की बेवा हूँ, झूठे अभी सभी शास्त्र आशूर तक वो इस काम को अंजाम दिया करते थे, आज मैं इस काम को अंजाम दे रही हूँ। मैं कहूँगा मौला आपकी बेबसी पे हमारा हजारों सलाम, अरे आपके बाद किसी को ताजिया दिए, किसी को तमाचे, किसी को